चलाएगा। चलाने के बाद यहाँ पे जैसे कोई भी कारण लीज के या साम्रम हो के परवाह की या जिनकी कमी के वजह से लीज जिन्हें ना देगी, आते ही उनको बुला दिया, जैसे वो गिर गए फिर जिनने हमको बुलाया, हम आए पूरे करीब 30 फुट के लमसम में पहुँचा, तो वहाँ पर परेशानियाँ हुई जैसे तो मैं लौटा। उसके बाद थाने को फोन किया, सब जगह आप ही इतने घुसे थे घुसे हम, मतलब कितने बजे घटनाएं कितने घंटे हो चुके थे बताएंगे? लगभग 5 बजे की बात है, कम से कम 3 घंटे हो गए। अंदर आपके जो परिजन एक आदमी परिवार के सदस्य हैं, पहले एक और हमारी यहाँ के निवासी बताए जा रहे हैं, क्या आप अंदर के बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं? अंदर के बारे में जानकारी जैसे वाटम जो गिरे वाटम अगर स्वस्थ हो जाती थी तो इंसान सही निकलता। क्या उम्मीद है इस समय आपको? अब तो कोई उम्मीद नहीं है। घटना हुई है ये गांव साबर मऊ है खेड़ा राठौर थाना क्षेत्र में। यहां पर गांव में एक राजू नाम का लड़का था, वो किन्हीं परिस्थितियों में कुएं में गिर गया। कुआँ काफ़ी सूखा कुआँ, काफ़ी पुराना, लगभग 70 से 80 फुट गहरा है। फिर बाद में उसको निकालने के लिए ग्राम प्रथमा है पड़ोस का, वहां का एक लड़का राजेश जो है वो रस्सी के सहारे उतरने लगा, रस्सी छूट जाने से भी कुएं में गिर गया। कुएं में काफ़ी गैस थी, निकालने का काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन जब निकलने में सफलता फायर ब्रिगेड के माध्यम से नहीं मिली तो उसमें फिर NDRF को बुलवाया गया, फिर NDRF के जवानों को मदद से उनको निकलवाया गया है, PM के लिए गाड़ी भेजवाई जा रही है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।